चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। अभी हमने पढ़ा सारी की सारी टोपोलॉजीज के बारे में। टोपोलॉजी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, एक अरेंजमेंट होता है या पैटर्न होता है जिसमें हम अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश करते हैं, यानी एक नेटवर्क के अंदर किस तरह से हम अपने नोड्स को, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे, उस अरेंजमेंट को टोपोलॉजी बोला जाता है दोस्तों। वो पांच टाइप की हमने पढ़ी, बस, स्टार, रिंग, मैश और ट्री टोपोलॉजी। दोस्तों अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती है जो हमारे इंटरनेट के लिए हेल्पफुल होती है। तो सबसे पहले जो डिवाइस आएगी दोस्तों, हम बात करते हैं मॉडेम के बारे में। मॉडेम के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों, मॉडेम। तो फर्स्ट डिवाइस इज मॉडेम। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मॉडेम है एक्चुअल में वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज MO एंड DEM। दो वर्ड बनते हैं दोस्तों मॉडम, दैट इज MO प्लस DEM, मॉडम। तो दोस्तों मॉडम में MO का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, दैट इज मॉड्यूलेशन, और DEM का मतलब होता है दोस्तों डीमॉड्यूलेशन। That is demodulation। अब दोस्तों ना तो हमने modulation पढ़ा ना हमने demodulation पढ़ा, तो modem को कैसे पढ़ सकते हैं? तो दोस्तों पहले हम लोग पढ़ते हैं modulation क्या होता है, then हम लोग study करेंगे modem में। Actual में modem एक device होती है जो modulation और demodulation दोनों का काम करती है, इसलिए दोनों words यानी कि modem, modulation का MO और demodulation का DEM, इन दोनों को मिला के दोस्तों मॉडर्म वर्ड बना दिया गया। तो हम अब पढ़ते हैं दोस्तों, पहले मॉड्यूलेशन, देन हम लोग पढ़ेंगे डीमॉड्यूलेशन। तो दोस्तों मॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं? मॉड्यूलेशन, तो दोस्तों मॉड्यूलेशन को समझने में, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक साथ हम लोग समझेंगे। पहले मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, हमें पता है दोस्तों कंप्यूटर जो है वो हमेशा काम करता है बाइनरी पर, बाइनरी लैंग्वेज पर। बाइनरी लैंग्वेज, तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज C1। अब मान लीजिए दोस्तों किसी दूसरे सिटी में एक कंप्यूटर और है C2, वो भी काम करता होगा दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज में। अब वो भी बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है, पर दोस्तों जब हम डेटा को भेजते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ है घर पे, अब ब्रॉडबैंड जो होता है वो एनालॉग फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करता है, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों एक डिवाइस यूज करते हैं बीच में, मीडिएटर डिवाइस, दैट इज मॉडम, दैट इज मॉडम। अब दोस्तों मैं इसके चैनल के थ्रू आपको दिखाता हूं एक्चुअल में क्या हो रहा है। मान लीजिए C1 ने एक ईमेल भेजा, ईमेल किया B को, C1 ने C2 को एक ईमेल किया। अब जब ईमेल टाइप किया गया था वो कंप्यूटर में था और वो डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट था। अब डिजिटल का मतलब दोस्तों यहां ये है कि 01010101 ऐसी फॉर्म में था दोस्तों, तो कंप्यूटर ने बाइनरी फॉर्म में डेटा को सेंड कर दिया, यानी 0101 की फॉर्म में सेंड कर दिया। अब बात आई मॉडेम की, तो मॉडेम में सबसे पहली प्रोसेस है मॉड्यूलेशन। तो दोस्तों मॉड्यूलेशन क्या है? बाइनरी जो नंबर्स है या डेटा को, बाइनरी है उस बाइनरी डेटा को कन्वर्ट कर देता है ये इंटू एनालॉग फॉर्म, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं The process of converting
बाइनरी डेटा इनटू एनालॉग डेटा इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन तो दोस्तों इस तरह से जो मॉडम है उसने क्या किया, डेटा को बाइनरी से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, मॉडम दैट इज चैनल और ये M2 दैट इज सेकेंड मॉडम। तो दोस्तों ये जो चैनल बीच में बना यहां से डेटा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एनालॉग फॉर्म में, यानी एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज एनालॉग एनालॉग डेटा। तो अब दोस्तों डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया मॉडम ने, ठीक है दोस्तों। अब वापस एनालॉग से ये टेलीफोन लाइन के थ्रू पहुंच गया, इसको मानते हैं हम टेलीफोन लाइन थी, टेलीफोन लाइन में एनालॉग की फॉर्म में चला डाटा, यहां पे पहुंच गया मॉडम टू के पास में। अब मॉडम टू क्या करेगा दोस्तों, इस जो एनालॉग डेटा है उसको वापस कन्वर्ट कर देगा 0101 की फॉर्म में, दैट इज डिजिटल फॉर्म और बाइनरी फॉर्म। सो इसकी रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों डीमॉड्यूलेशन। तो सेकंड प्रोसेस इज डीमॉड्यूलेशन। तो डीमॉड्यूलेशन किसको बोलते हैं दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग डेटा इंटू डिजिटल फॉर्म, या इसको बोलते हैं बाइनरी फॉर्म या बाइनरी डेटा, इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो दोस्तों हमने दो प्रोसेस पढ़ी, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो दोस्तों दोनों में मॉडम ही काम कर रहा है, यानी मॉडम का काम दो काम होते हैं, डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। इस तरीके से दोस्तों मॉडम का काम होता है। अब मॉडम को स्टडी कर लेते हैं हम दोस्तों, ये चीज समझ गए कि मॉडम के अंदर दो प्रोसेस होती है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। अब दोस्तों मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक साथ होती है, इसलिए उनके नाम को कंबाइन करके हमने मॉडम बना दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप इसे इजीली नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग मॉडम के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों हमने पढ़ा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं मॉडम किसको बोलते हैं, यानी कि मॉडम को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मॉडम क्या है। सो इट इज द डिवाइस, दैट इनेबल अ कंप्यूटर, टू ट्रांसमिट डाटा, ओवर टेलीफोन लाइन,
तो दोस्तों टेलीफोन लाइंस पर जब हम डेटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं तो जो मीडिएटर डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं हम लोग मॉडेम। तो दोस्तों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट बना के, इट बिहेव्स लाइक मीडिएटर, इट बिहेव लाइक मीडिएटर। मीडिएटर का दोस्तों, या इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, सीधा हम लिख सकते हैं इट बिहेव लाइक इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट बोलते हैं दोस्तों जो दो लोगों के बीच में होता है, दैट इज इंटरमीडिएट। तो ये बिहेव करता है इंटरमीडिएट डिवाइस। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि अभी हमने डायग्रामेटिकली समझा उसको कि जब डेटा एनालॉग फॉर्म में होता है तो ये उसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में भेजता है कंप्यूटर के पास में, और जैसे ही कंप्यूटर से डेटा आता है ये उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइन पर भेज देता है, बिकॉज इट इनकोड डेटा व्हेन कम्स फ्रॉम कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट एंड सेंड इट टू द टेलीफोन लाइन। दोस्तों इनकोड करने के बाद ये भेज देता है उसे टेलीफोन लाइन पर, और जब दोस्तों डेटा रिसीव करता है, यानी कि जब ये डेटा एनालॉग फॉर्म में रिसीव करता है, तब ये क्या करता है दोस्तों, उसे वापस कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और भेजता है कंप्यूटर को। व्हेन इट रिसीव डेटा फ्रॉम टेलीफोन लाइन और दोस्तों ये डेटा किस टाइप का होता है अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो एनालॉग फॉर्म में होता है। डेटा फ्रॉम टेलीफोन लाइन, इट जहां पे ये इनकोड किया था वहां पे अब ये डीकोड करेगा। डीकोड डेटा एंड कन्वर्ट इट इन डिजिटल फॉर्म। फॉर्म एंड सेंड टू कंप्यूटर कंप्यूटर। तो दोस्तों इस तरह से ये काम करता है मॉडम। अब दोस्तों एक अगर एक इन दोनों लाइन को कंक्लूड करके हम लिखना चाहे तो मॉडम का एक काम एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना भी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें एक और पॉइंट मिल जाता है जो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ये कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कनेक्ट होती है टेलीफोन लाइन पर और कन्वर्ट करती है एनालॉग डेटा को डिजिटल में या डिजिटल डेटा को एनालॉग में। तो दोस्तों वो काम मॉडम ही करता है। सो नोट करके इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इट बिहेव एज ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर व्हेन, और डायरेक्टली हम सीधा लिख सकते हैं इट कन्वर्ट एनालॉग डेटा इंटू डिजिटल और डिजिटल डेटा इंटू एनालॉग। इट कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल एंड वाइस वर्सा।
वाइस वर्सा का, या वाइस वर्सा का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर मैंने लिखा इट कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल, इसका उल्टा भी ट्रू होगा, यानी कि डिजिटल टू एनालॉग भी होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बिहेवियर और वर्किंग पढ़ी हमारे मॉडेम की। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर या हमारी नेक्स्ट डिवाइस पर स्विच करते हैं, दैट इज हब। तो दोस्तों अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप इसे इजीली नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं दोस्तों हमारी सेकेंड डिवाइस पर, दैट इज हब। दोस्तों अभी हमने जब लास्ट में हम पढ़ रहे थे हमारी स्टार टोपोलॉजी पे, तब हमने हब को यूज किया था। सेकेंड इज हब। तो अगर हब की बात करें दोस्तों, हब एक कॉमन डिवाइस होती है, या ये डिवाइस कनेक्ट होती है नेटवर्क पे, और एक बहुत छोटी सी हार्डवेयर डिवाइस होती है जो काम करती है सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क पर। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इट इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस that joins multiple computers together in local area नेटवर्क। आई होप दोस्तों आप लोकल एरिया नेटवर्क को समझ पा रहे होंगे। लैन, दैट इज लैन, हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी को स्टडी कर चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों लैन के अंदर जो डिवाइस यूज होती है एक नेटवर्क को बनाने में, दैट इज कॉल्ड हब। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा हब के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड पॉइंट के बारे में। हब इज अ नॉर्मल डिवाइस। नॉर्मल डिवाइस इन सेंस हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे ही अगर मान लीजिए डेटा आया, तो हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता। ये सिंपल क्या करता है, कोई भी डेटा जो ये रिसीव करेगा उसे ब्रॉडकास्ट कर देगा पूरी की पूरे नेटवर्क पे। मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं हब का, मान लीजिए चार पीसी एक हब के थ्रू कनेक्ट है, C1 डेटा भेजना जा रहा है C3 को, तो वो सेंट्रल डिवाइस के पास भेज देगा यानी कि हब पे। हब ये डिसाइड नहीं करता कि डेटा किसको भेजना है किसको नहीं भेजना, जैसे ही जो भी चीज इसके पास रिसीव होती है ये ब्रॉडकास्ट कर देता है। मान लीजिए ये डेटा है, ये आया हब के पास में, हब ने इसे क्या किया दोस्तों, सभी को ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो ये सभी के पास डेटा को भेज देता है दोस्तों, जो रिलेवेंट डिवाइस होती है वो अपने आप रिस्पॉन्ड कर देती है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, अदर टू डिवाइस भी अननेसेसरी डेटा को रिसीव कर रही है, चाहे वो इसका रिस्पॉन्स दे या ना दे, पर इनके पास भी डेटा जो है वो रिसीव हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों जो हब है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस हम लोग नहीं मानकर चलते। इसके बाद में जो आता है स्विच, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस की तरह बिहेव करता है। सो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, इट ब्रॉडकास्ट, इट ब्रॉडकास्ट ऑल द पैकेट्स और द डेटा, इट ब्रॉडकास्ट ऑल डेटा पैकेट्स ओवर द एंटायर नेटवर्क। And the relevant device respond it. तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, ये ब्रॉडकास्ट कर देता है सारे के सारे डेटा पैकेट्स को पूरे नेटवर्क पर, और जो रिलेवेंट डिवाइस होती है वही रिस्पॉन्स करती है, और उसके बाद डेटा उसको सेंड कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों काम करता है हमारा हब। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग
तीसरे स्विच डिवाइस की, दैट इज स्विच, थर्ड डिवाइस इज स्विच, स्विच। दोस्तों स्विच इज मच लाइक सिमिलर टू द हब, यानी कि स्विच क्या है, हब की तरह सिमिलर डिवाइस है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज अ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट ज्वाइन That joins multiple computers together over the LAN. तो दोस्तों LAN पर यह भी मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो हब और स्विच दोनों की डेफिनेशन मैंने सेम ही लिखी है, पर इनमें बेसिक डिफरेंस जो होता है दोस्तों, दैट इज सेकंड लाइन डिफरेंस होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं हब की, तो हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता, लेकिन अगर बात कर ली जाए स्विच की, तो स्विच जो होता है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है। यानी कि ये चेक करता है कि किस डिवाइस पे डाटा भेजना है या नहीं भेजना। अगर बात करें इन दोनों की कंपैरिजन की, तो हब दोस्तों सस्ता मिलता है, स्विच महंगा मिलता है। इसलिए क्योंकि पहले हम एक थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, क्योंकि स्विच ज्यादा इंटेलिजेंट हम लोग मानते हैं। जैसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों, हमने हब के थ्रू चार पीसी को कनेक्ट कर दिया था, दैट इज स्विच। अब की बार हमने लिया स्विच, तो स्विच के थ्रू हमने दोस्तों इन चारों पीसी को कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए C1, C2, C3, C4। C1, C3 के पास डेटा को भेजना चाह रहा है, सेंट्रल डिवाइस है, इसका मतलब डेटा इसी के पास जाएगा। तो दोस्तों पहले डेटा इसी के पास जाता है, अब ये क्या चेक करता है दोस्तों, ये चेक करता है इस जो पैकेट इसके पास रिसीव हुआ, डेटा पैकेट रिसीव हुआ, उस डेटा पैकेट को ये एक्सपेंड करता है, खोलता है और उसमें देखता है कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। दोस्तों दो तरह के एड्रेस होते हैं हर पैकेट पर। जब भी डेटा, हमने पढ़ा था डेटा पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो जो डेटा होता है उसमें दो तरह के एड्रेस होते हैं, सोर्स एड्रेस एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स एड्रेस का मतलब दोस्तों जहां से वो पैकेट चला है उसका एड्रेस उस पैकेट के अंदर होता है। दूसरी बात करें जहां उस डेटा को पहुंचना है पैकेट को, उसका एड्रेस उसके पास होता है। तो स्विच का काम यही होता है दोस्तों, ये इस पैकेट के अंदर से उस जो डेस्टिनेशन एड्रेस है उसको पिक करता है और फिर चेक करता है कि उस नेटवर्क में वो एड्रेस प्रेजेंट है। और अगर प्रेजेंट है, मान लीजिए C3 पे भेजना था, तो जैसे ही डेटा रिसीव होगा स्विच डायरेक्टली भेज देगा C3 के पास, C2 और C4 के पास कुछ भी नहीं जाएगा। जबकि हमने जब हब के केस में पढ़ा, तो वो पूरे के पूरे डेटा को सारे नेटवर्क पर क्या कर रहा था, पूरे ब्रॉडकास्ट कर दे रहा था, यानी कि अननेसेसरी वो उन चैनल पर भी डेटा को बार बार सेंड कर रहा था। तो इस तरह से दोस्तों इसकी स्मार्टनेस सामने आती है, यानी कि ये पहले ही चेक कर लेता है डेटा को कहां भेजना है और डायरेक्ट वहां पर रूट कर देता है डेटा को। तो इस तरीके से स्विच काम करता है दोस्तों। आई होप आप डिफरेंस लगा पाएंगे हब और स्विच में। तो दोस्तों अभी हम लोग, हमने पढ़ा कि आइडेंटिकल होता है किसकी तरह, हब की तरह, बट अगर बात करें स्विच की, तो स्विच ज्यादा इंटेलिजेंट होता है एज कंपेयर टू हब। तो सेकंड पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं दोस्तों, स्विच इज सिमिलर टू और आइडेंटिकल टू हब, यानी कि ये हब के सिमिलर होता है, बट स्विच इज स्मार्टर देन हब। पर क्या होता है दोस्तों, स्विच जो होता है वो स्मार्ट होता है हब के कंपेयर में, और दोस्तों स्विच जो होता है एक्सपेंसिव भी होता है हब के कंपेयर में। देन हब एंड इट इज
ऑल्सो एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव. देन हब. तो दोस्तों हब के कंपेयर में ये एक्सपेंसिव भी होता है. अब दोस्तों थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं. जैसा कि हमने पढ़ा कि जो स्विच है, और जैसे हब है, हब ब्रॉडकास्ट करता है सारे के सारे डेटा पैकेट को ओवर द एंटायर नेटवर्क. बट स्विच जो है ऐसा काम नहीं करता. ये डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है और उसके बाद डेटा को सेंड कर देता है उस एड्रेस पर. अगर इसको लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट, इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट, इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट, इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट ऑल द डेटा पैकेट्स ओवर द एंटायर नेटवर्क, ओवर द एंटायर नेटवर्क बट इट फर्स्ट डिटरमाइन इट फर्स्ट डिटरमाइन द डेस्टिनेशन एड्रेस द डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सेंड टू द डेस्टिनेशन नोड. डेस्टिनेशन नोड. तो इस तरीके से दोस्तों काम करता है हमारा स्विच. तो दोस्तों ये हमने पढ़ा, स्विच हमारा इस तरीके से काम करता है. अगर दोस्तों आपने इसको नोट नहीं किया तो प्लीज आप नोट कर लीजिए. इसके बाद हम लोग एक पॉइंट और इसके बारे में पढ़ेंगे. तो दोस्तों मैं हब को रेज कर रहा हूं. तो दोस्तों जो मेन स्ट्रीम नेटवर्क होता है या इथरनेट नेटवर्क होता है दोस्तों, वो यूज करता है कई तरह के स्विचेस को. जैसे कि हम बात कर लेते हैं द मेन स्ट्रीम इथरनेट नेटवर्क द मेन स्ट्रीम इथरनेट नेटवर्क स्विचेस सपोर्ट द मेन स्ट्रीम इथरनेट नेटवर्क स्विचेस सपोर्ट इधर 10/100. ये दोस्तों इनकी स्पीड है 10/100 Mbps फास्ट इथरनेट और 10/100/1000 फास्ट इथरनेट. दोस्तों इनको ये सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड्स को. ये दोस्तों यहां Mbps नहीं लिखा हमने, Mbps फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड्स. तो दोस्तों इन स्टैंडर्ड्स को जो हमारा स्विच है वो फॉलो करता है. तो इस तरीके से दोस्तों हमने तीन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा. फर्स्ट इज मॉडम, सेकेंड इज अ स्विच, थर्ड इज हब. तो हमने तीन डिवाइसेस के बारे में पढ़ा दोस्तों.